So, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जब हम बोलते हैं 50x zoom? Well, Huawei P30 Pro. जाहिर सी बात है क्योंकि यही एक स्मार्टफोन है जो 50x zoom के नाम से अब जाना जा रहा है. जी हाँ, it is famous because of the 50x zoom, जो कि इस फोन की USP भी है. इसके बारे में भी बात करेंगे इस पूरे रिव्यू में. आपको दिखा रहे हैं हम Huawei के P30 Pro स्मार्टफोन का पूरा रिव्यू. आप देख रहे हैं टेक तक और मैं हूं श्रुति शर्मा. So as you can see, this is the Huawei P30 Pro smartphone. First look, आप जरूर इससे इंप्रेस होंगे क्योंकि डिजाइन ही कुछ ऐसा है. The back is so beautiful. It'll give you different colors. जब लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है तो कहीं से ये पिंक नजर आता है, कहीं से ब्लू, कहीं से इट्स अ कॉम्बिनेशन. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फोन. सो बैक साइड इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल डिजाइन ऑफ द स्मार्टफोन और फ्रंट में भी ये काफी अच्छा दिखता है. आपको बता दें कि Huawei जो है अपने फोन्स के डिजाइन के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं एंड दिस वन इज नो एक्सेप्शन ईदर. सो डिजाइन के मामले में काफी खूबसूरत फोन है, हालांकि आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा बिकॉज दिस इज ब्रेकेबल. ओके, सी दिस P20 फ्रॉम Huawei एंड Mate 20 प्रो फ्रॉम Huawei. यस, सो कुछ ऐसा ही है P30 Pro भी, somewhat P20 और Mate 20 जैसा, but उनसे थोड़ा और प्रीमियम और खूबसूरत. इसमें breathtaking crystal और Aurora colors variants लॉन्च हुए हैं. प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, curved डिस्प्ले है और कीमत है ₹72,000. P30 की बॉडी ग्लास की है, so इसको थोड़ा carefully handle करना पड़ेगा. Dew drop notch है and rest phone is bezel-less. OLED डिस्प्ले काफी अच्छा है एंड द वीडियोस एंड सर्फिंग बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा इस स्मार्टफोन पर. So well, the processor is very very good and very fast it is. इसमें दिया गया है Kirin 7nm 980 प्रोसेसर जो कि काफी फास्ट चलता है और काफी स्मूथ चलता है. 8GB की इसमें रैम है और 256GB की इंटरनल स्टोरेज. जाहिर सी बात है इस कॉम्बिनेशन में है तो लीथल कॉम्बिनेशन है, परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन. बात प्रोसेसर की करें तो मल्टीटास्किंग टू ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स सभी कुछ आराम से चला. नो लैग, इट्स नॉट स्लो. साथ ही इसका लेटेस्ट EMUI 9.1 चलता है आउट ऑफ द बॉक्स. काफी यूजर फ्रेंडली है और काफी फीचर पैक्ड भी है. इसमें है गेमिंग के लिए नया GPU टर्बो 3.0 जो गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथ बनाता है. साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक है जो सुपर स्नैपी है. ये IP68 सर्टिफाइड है, which is a very good thing as काफी expensive phone है, तो पानी और धूल मिट्टी से तो बचना ही चाहिए. बात करें P30 Pro के USP की तो वो है इसके कैमरास. जी हाँ, क्वाड कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है. लेट्स सी द सेटअप कॉन्फ़िगरेशन. 40 मेगापिक्सल विद f1.6 सुपर स्पेक्ट्रम सेंसर है, 20 मेगापिक्सल विद f2.2 लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए, 8 मेगापिक्सल विद f3.4 टेलीफोटो लेंस है एंड द फोर्थ कैमरा इज टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज TOF. 40 मेगापिक्सल लेंस जो कि देता है इनक्रेडिबली गुड पिक्चर्स. नो लाइट मोड जरूरत ही नहीं है आपको क्योंकि लो लाइट में ये यूजुअल मोड में भी काफी बेहतरीन पिक्स क्लिक करता है. ट्वेंटी मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल देता है जो कि ऑटो फोकस के साथ ही आता है और यू कैन क्लिक पिक्स फ्रीली विदाउट बॉदरिंग. पिक्चर्स काफी शार्प और डिटेल्ड आई. वहीं टेलीफोटो लेंस की बात करें विच इज 8 मेगापिक्सल विद द टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको बता दें कि इसमें 5x ऑप्टिकल जूम है जो क्रिस्प और शार्प पिक्चर्स देते हैं. द लाइट हैज टू बी गुड लेकिन लो लाइट में थोड़ा नॉइस दिखा. 10x हाइब्रिड जूम की बात करें तो आप देख सकते हैं द क्लिक्स आर गुड. पेरिस्कोप लेंस की कॉम्पैक्ट बॉडी में 50x तक का सुपर जूम है जो उसकी USB है जो दूर से चांद या सूरज को भी आपको पास दिखा दे. वूमिंग 50x जूमिंग कैपेबिलिटीज, लेकिन यहाँ एक बात देखने वाली ये है कि जब आप 50x जूम लेंस यूज कर रहे हैं तो आपका हाथ थोड़ा शेकी हो जाता है. सो यस, you would need a tripod or something stable so that you can actually shoot this object with
50x zoom, कुछ इस तरह जो कि एरोप्लेन हमने शूट किया, पर अगेन कैप्चर हुआ, पर 50x तक आते आते हमारा हाथ स्टेबल नहीं था, तो यस सम स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड व्हेन इट्स 50x। फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल विद f2.0 अपर्चर। सेल्फीज काफी अच्छी आई, काफी सारे इसमें मोड्स हैं, पोर्ट्रेट पिक्स भी काफी बेहतरीन आई, सो अ गुड सेल्फी कैमरा एज वेल। सो ये रिकॉर्डिंग करी है हमने फ्रंट और रियर कैमरा से, जो आपको हम दिखा रहे हैं अभी, और दिस इज द फुल HD रिकॉर्डिंग फ्रॉम द Huawei P30 Pro फ्रॉम द रियर कैमरा एंड द फ्रंट कैमरा। This is the video recording from the Huawei P30 Pro and you can check the stability here. Full HD 1080p पर ये video recording हो रही है from the front camera. So battery आपको बता दें 4200 mAh की battery दी गई है, हालांकि हम ज़्यादा और battery expect कर रहे थे, but it's fine because इसमें 40 watt का super fast charger भी है, जो कि इस phone को 0 to 100% एक घंटे में charge करता है. Multitasking करी हमने और काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज़ किया फ़ोन को फोटोग्राफी के लिए भी, लेकिन उसके बाद भी बैटरी ने पूरा साथ निभाया। ये भी बता दें आपको कि Huawei P30 Pro रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, सो दैट्स अगेन अ गुड थिंग। साथ ही ये डुअल सिम स्मार्टफोन है, और आपको बता दें कि ऑडियो के लिए इसमें ईयरपीस नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिविटेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें वाइब्रेशंस डिस्प्ले से आती हैं और इन टर्न प्रोड्यूस करती है साउंड, सो ऑडियो इसके डिस्प्ले यानी स्क्रीन में ही आता है, सो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, इन डिस्प्ले ऑडियो एज वेल। Now, well, the question here is कि क्या Huawei P30 Pro, जिसकी कीमत रखी गई है 72,000 रुपए, 72,000 रुपीज, खरीदना चाहिए या नहीं? बजट काफी ज्यादा है, जाहिर सी बात है, लेकिन प्रीमियम स्मार्टफोन है, डिजाइन इज वेरी वेरी गुड, प्रोसेसर इज गुड इनफ, मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली अ ब्रीज, काफी लंबा वक्त बैटरी भी चलती है। इट्स बेसिकली इन अ वे कहें कि एक कैमरा को स्मार्टफोन में तब्दील कर दिया गया है, रादर देन अ स्मार्टफोन इनटू अ कैमरा, और फोटोग्राफी लवर्स के लिए, सीरियस फोटोग्राफर्स के लिए दिस इज एक्चुअली अ डिलाइट, सो अ स्मार्टफोन विद अ कैमरा, और रादर अ कैमरा विद अ स्मार्टफोन, सो यस अगर आप सीरियस फोटोग्राफर हैं तो इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं और चेल आउट कर सकते हैं 72,000 रुपए, और अगर आपका बजट है 72,000 रुपए का, सो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन, इज जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस फोन, बहुत स्लिपरी है, बहुत डेलिकेट है, सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड बजट ऑफकोर्स इज 72,000 विच इज अ लिटिल ऑन अ हायर साइड, बट जिस तरह के कैमरा क्वालिटी और जिस तरह के कैमरा कॉन्फिगरेशन इसमें दिया गया है, इट्स वर्थ इट। सो और कुछ जानना चाहते हैं Huawei P30 Pro के बारे में जरूर बताएं, आपको क्विक रिव्यू दिया हमने स्मार्टफोन का, और साथ ही आपको बताएं कि टेक तक को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी और भी ब्रिलियंट वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं।